तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद शक्तिशाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। डिच क्लीनर बाय ग्रीन टेक। सड़कों के किनारे पानी के निकास के लिए बनाई गई नालियों को निरंतर साफ करते रहना काफी आवश्यक होता है ताकि बरसात के मौसम में पानी रुके ना और रोड पर पानी ना बहे। तो उसी काम को करने के लिए कुछ इस प्रकार की खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह बेहद शक्तिशाली मशीन महज कुछ ही मिनटों में जटिल से जटिल कचरे को भी इन नालियों से साफ कर सकती है। यह सिर्फ नाली को सूखे रूप में ही नहीं बल्कि गीला होने पर भी साफ करने में सक्षम है। ग्रीन मशीन 414RS। यूं तो सड़क से कचरे को साफ करने के लिए अनेकों मशीनें बन चुकी हैं, मगर जब कम जगह और कम खपत में सफाई के काम को करना हो तो कुछ इस प्रकार की छोटी मगर काफी अधिक शक्तिशाली मशीन की सहायता ली जाती है। इस मशीन के मुंह के आगे दो शक्तिशाली गोल ब्रश लगे होते हैं जो कि निरंतर गोल गोल घूमते रहते हैं अंदर की तरफ। साथ ही साथ मशीन के पिछले वाले भाग में एक शख्स के बैठने के लिए सीट भी मौजूद होती है जिस पर बैठकर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मशीन इतनी अधिक शक्तिशाली है कि पलक झपकते ही है जमीन से बारीक कचरे को बड़ी सफाई के साथ साफ कर सकती है। इस प्रकार की मशीन को रेलवे प्लेटफॉर्म, फुटपाथ या फिर उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बड़ी मशीनें पहुँच नहीं सकती। नेवाडा स्टिरर। अक्सर खेत के किनारे किसानों के द्वारा छोटे छोटे तालाब बनाए गए होते हैं जिसका इस्तेमाल खेतों से रिस के बहके आने वाले पानी को एकत्रित करने में किया जाता है या फिर जरूरत पड़ने पर इस तालाब में इकट्ठा पानी को सिंचाई के काम में इस्तेमाल भी लाया जाता है, मगर अधिक समय तक इसे इस्तेमाल ना करने पर इस पर खरपतवार जमा हो जाता है। तो यह नेवाडा स्टिरर नाम की मशीन उसी खरपतवार को इस तालाब के तल में जाकर जड़ से काट कर अलग करने का काम करती है। इस मशीन के मुहाने पर लगे तीन तेज धारदार ब्लेड बड़ी ही तीव्रता से काम करते हैं और महज कुछ ही मिनटों में घास फूस इत्यादि से भरे इस छोटे तालाब को साफ करके पुनः इस्तेमाल करने के योग्य बना देते हैं। कोकोटेक। सफाई के काम में ही इस्तेमाल होने वाली यह मशीन भी अपनी खास योग्यता के कारण दूसरी मशीनों से अलग तो है ही, साथ ही साथ काम को अनेकों प्रकार से करने में भी सक्षम है। इस मशीन के मुंह के आगे गोल ब्रश को लगा देने के बाद इसके साथ ही एक लंबी रोड भी लगी होती है जो मानो घोड़े की लगाम की तरह इस ब्रश को संचालन करने का काम करती है। अक्सर दूसरी मशीनों में लगे ब्रश केवल एक निश्चित दिशा में ही चलते हैं, मगर इस मशीन के साथ लगी रोड की मदद से चालक इस मशीन के मुहाने में लगे ब्रश को तिरछा करके हर दिशा से सफाई कर सकता है जिसके कारण इस मशीन की योग्यता और अधिक बढ़ जाती है। बॉबकैट बीच क्लीनिंग मशीन। समुद्र किनारे बीच पर पड़ी रेत पर किसे टहलना अच्छा नहीं लगता और रेत जितनी साफ हो वह बीच उतना ही अधिक सुंदर नजर आता है, मगर पूरे विश्व में कई समुद्र किनारे बने पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां लोग निरंतर रेत पर गंदगी करते रहते हैं और कभी कभी समुद्र का पानी भी तेज बहाव के साथ समुद्र में जमा गंदगी को बीच पर उड़ेल देता है। तो ऐसे में उन बीच पर पड़ी रेत को साफ करना बेहद आवश्यक बन जाता है। तो उसी काम को करती है यह बेहद शक्तिशाली मशीन जो कि तेज रफ्तार से काम करते हुए बड़े से बड़े बीज को महज कुछ ही देर में मानो फिर से बिल्कुल नया सा कर देती है। यह जबरदस्त मशीन रेत पर छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी हर गंदगी को रेत को छानने वाली विधि से अलग करके कचरे को इकट्ठा करती जाती है और साफ रेत को पीछे छोड़ती जाती है जिससे काम बेहद तेज गति में तो होता ही है, साथ ही साथ काम खत्म होने के बाद बीच भी बेहद सुंदर नजर आता है। EAM मसानों। खास तौर पर किसानों के लिए बनी यह मशीन अपनी अद्भुत कार्यकुशलता के कारण
लोगों के द्वारा काफी पसंद की जा रही है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पथरीली जमीन से पत्थरों को अलग करना, और इंसानों के द्वारा हाथों से पत्थरों को अलग करना काफी लंबा समय ले सकता है। तो ऐसे में उस बड़े चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए कुछ इस प्रकार की शक्तिशाली मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ पीछे बांध दिया जाता है, जिसके बाद जब इसे उस पथरीली जमीन पर चलाया जाता है तो यह मशीन अपने पीछे पत्थर रहित जमीन को बड़े ही मजेदार तरीके से इकट्ठा करती जाती है। यह सब देखने में बेहद रोमांचक लगता है, मगर इस मशीन की यह कार्यविधि खेती के लिए असंभव सी दिखने वाली जमीन को खेती करने के योग्य बना देती है। इकोपिया E4 सिस्टम। आज के इस आधुनिकता के युग में काफी देशों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जा रही है। हालांकि इन सोलर पैनल को लगाना केवल एक बार का ही काम होता है, मगर इन्हें निरंतर साफ करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि सोलर पैनल पर जमी धूल 35% तक बिजली उत्पन्न करने में कमी कर सकती है। तो ऐसे में इस धूल को पैनल से निरंतर साफ करते रहना बेहद आवश्यक बन जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए ही इस खास रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक श्रृंखला में लगे इन पैनल्स को एक ही बार में साफ करने का काम करती है। यह ब्रश नुमा रोबोट इन सोलर पैनल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना इन्हें बड़ी सटीकता से साफ कर देता है। सोलर पैनल की हर एक लाइन में एक एक इस सफाई करने वाले रोबोटिक सिस्टम को लगाया जाता है, ताकि काम जल्दी निपटे और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो बिजली पैदा करने में। बार्बर सैंडमैन। पिछले बीज साफ करने वाली मशीन की तरह ही यह मशीन भी बड़े बड़े बीज से रेत पर इकट्ठा होने वाले कूड़े को निकालने का काम करती है। यह मशीन आकार में छोटी होती है, जिसके कारण इसे इस्तेमाल करने के लिए एक शख्स की निरंतर सहायता लेनी पड़ती है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि यह कार्य करने में कुशल नहीं होती। यह मशीन रेत पर जैसे जैसे चलती जाती है, वैसे वैसे रेत को अपने अंदर खींचकर जबरदस्त कंपन करती है, जिससे रेत के बारीक कण नीचे झड़ जाते हैं और कागज, छोटे कंकड़ इत्यादि इसमें इकट्ठे होते जाते हैं, जिन्हें यह मशीन पिछले हिस्से में इकट्ठा करती जाती है। इस मशीन में एक मोटर लगी होती है, जिसके कारण इसे बीज पर चलाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इस मशीन के द्वारा भी साफ की गई रेत मानो ऐसी लगती है जैसे कि यहाँ कोई गंदगी पहले मौजूद ही नहीं हो। लुकासिविक्स रिसर्च नेटवर्क। इस बेहद शक्तिशाली मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यह मशीन अनेकों अन्य मशीनों के साथ लैस होती है, जिन्हें खेतों के किनारे बनाए जाने वाले पानी के निकास वाले रास्ते को साफ करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के सबसे आगे लगे मुहाने पर लगे ब्लेड इस नाले से छोटे खरपतवार को काटते जाते हैं, और आगे रास्ते में कोई छोटा पेड़ आता है तो इस मशीन में लगी अन्य मशीनें उन्हें पलक झपकते ही काट कर अलग कर देती हैं। इस मशीन के दोनों तरफ भुजाओं के साथ टायर भी लगे होते हैं, जो कि इस मशीन को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बल प्रदान करते हैं और मशीन की पकड़ बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। यह मशीन सिर्फ सूखे ही नहीं बल्कि कीचड़ वाली जगह पर भी बड़ी कुशलता के साथ काम करने में सक्षम है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।